अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सीख कबाब बनाना बता रही हूँ और इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। ये 2 किलो कीमा है, ये बीफ का कीमा है, आप मटन भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, ये 2 अदद प्याज इनको लेके पीस लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और सब्ज़ी मिर्चों का पेस्ट है। 1/2 कप बेसन और इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर है मेरे पास। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम कीमे में सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। सबसे पहले ये बेसन शामिल कर देंगे, ये सारे मसाले भी शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को एक साथ ही इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। मसाले आप सारे अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। कीमा हमारा ड्राई होना चाहिए, इसका पानी सारा निकाल दें, छलनी में डाल के निकाल दें या हाथ से दबा दबा के। आप चाहें तो इसको चॉपर मशीन में डाल के भी पीस सकते हैं, सारे मसाले अच्छी तरह से यकजान कर सकते हैं। मैं हाथ से ही कर लूँगी। ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसको 1-1.5 घंटे के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी है, मैं इसी तरह अभी इसको बना लूँगी। ये मेरे पास सिलाई है जिस पे कबाब वगैरह बनाते हैं। ये हम थोड़ा सा कीमा हाथ पे लेंगे, ये आप अपने जितने बड़े बनाने हों उस हिसाब से ले लें और इस तरह से हम ऐसे सेट कर लेंगे। दबा दबा के करना है ताकि ये लटके ना। जितने बड़े आपने बनाने हों आप बना लें। अगर ज़रूरत हो तो हाथ पे पानी लगा लें, वरना ऐसे भी हो जाता है काम। ये मैं थोड़ा सा ऊपर से उतार दूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया है। आप चाहें तो ऐसे ही सलाखों पे इसको बारबेक्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं तवे पे बनाऊँगी। इस तरह से बना के हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे और इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे और अब हम इनको फ्राई करते हैं। मैं तवे पे फ्राई कर रही हूँ, आप पैन में भी कर सकते हैं, आप कढ़ाई में भी। पहले तवे पे घी लगाएंगे, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब हम इनको 3-4 मिनट के लिए हिलाएंगे नहीं, हल्की आंच से हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए।
दूंगी। इस तरह से इसकी इस तरह से इनकी साइड चेंज करेंगे हम आराम आराम से ताकि ये टूटे ना। इनको मैंने फ्राई कर लिया है, अब हम इनको उतार लेंगे और दूसरे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। ये हमारे सीख कबाब बिल्कुल तैयार हैं, आप भी इस तरह से बनाएंगे, बहुत मज़े की रेसिपी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट्स भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।